हेलो बॉयज़ एंड वेलकम टू अनदर व्लॉग। सो अभी ये मेरे पीछे TVS की राइड है, इसे चलाने वाले हैं। इसका रिव्यू करते हैं, थोड़ा सा माइलेज वगैरह बताता हूँ आप लोगों को। कैसा बाइक है, काफ़ी 125 CC का, मतलब एक काफ़ी डिमांड में हाइप बनी हुई है बाइक की। सो अभी इसे चलाते हैं, कैसा है चलने में, ठीक ठाक है नहीं है, सस्पेंशन वगैरह की बात करते हैं। और अभी चलते हैं सीधा राइड के ऊपर। पहले आपको दिखा देता हूँ इसका थोड़ा सा एक स्पेसिफिकेशन दे देता हूँ, उसके बाद इसे चलाते हैं। लेट्स गो बॉयज़। बॉयज़ ये है TVS की राइडर। स्टार्ट करता हूँ इसके हेडलैम्प से। तो यहाँ पे आपको मिलेगा फुल्ली LED हेडलैम्प। ये है इसके DRL। ये आई थिंक लो बीम हाई बीम, मतलब सब कुछ LED है, प्रॉपर LED मिलेगा। यहाँ पे इसका टायर साइज़ 8017। ये इसका डिस्क ब्रेक का साइज़, मतलब कोई इतना बड़ा नहीं है बट बाइक के हिसाब से ठीक है। और ब्रेक्स अभी चेक कर लेंगे कैसा बाइट आ रहा है ब्रेक्स का, वो भी बता दूंगा आपको। ओवरऑल लुक, साइड का ओवरऑल लुक एक बार ये हैगा। लुक्स तो काफ़ी अपीलिंग है। इंडिकेटर इसमें आपको बल्ब मिलेंगे, हाँ बल्ब इंडिकेटर है, बट ये आई थिंक अपाचे जो आती है ना नई वाली, उस वाले शेप के हैं। सोया काफ़ी अच्छा टच है। और पीछे का जो लाइट है ना वो भी LED है, ये देख सकते हैं आप। बहुत कूल है, बहुत मतलब कूल डिज़ाइन है बाइक का ओवरऑल। सो एक बार आवाज़ और सुना देता हूँ आपको बाइक की मैं स्टार्ट करके। अच्छा स्टार्ट से पहले ये देखो इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर भाई, इतना सेक्सी ना और इतना ब्राइट, ज़बरदस्त। काफ़ी सारे इसमें मोड्स हैं। आई थिंक एवरेज दिखा रहा है, देखो 40 किलोमीटर पर लीटर, बट ये काफ़ी दिन से बाइक खड़ा हुआ था इस वजह से दिखा रहा है, वरना ये ईजिली 60 to 70 का माइलेज आपको दे देगा। ट्रिप है, ट्रिप भी, रेंज 14 किलोमीटर। और मुझे मतलब इसमें आई थिंक एक्स कनेक्ट का फीचर भी आपको मिलता है, बट मुझे पता नहीं इस वेरिएंट में वो है नहीं है। सो अभी इसे थोड़ा राइड करते हैं और बताता हूँ इसकी राइड क्वालिटी वगैरह, सस्पेंशन के बारे में भी थोड़ा बात कर लेंगे। और अब इसकी सुनवाता हूँ आपको आवाज़। सो इसमें आपको आई थिंक स्टैंड पर मिलता है कट ऑफ सेंसर। सो मैंने इसे इसका स्टैंड हटा दिया और अपने, हाँ जी हाँ जी, कट ऑफ सेंसर है भाई, इंजन कट ऑफ सेंसर मिलता है। ये सुन लो आप इसकी आवाज़ भाई, आप निकल जाओ पहले यार। भाई मैं अभी शूट कर रहा था और ये काफ़ी दूर एक TVS की राइडर खड़ी हुई है। सो इसका ये रेड कलर है, रेड कलर आप लोग देख सकते हैं, बाकी हमारे पास येलो है। सो बॉयज स्टार्ट करते हैं इसको और एक बार साउंड सुन लो भाई। सुन रहे हो साउंड, जबरदस्त। 8000 RPM पे इसका मीटर कट कर रहा है, मतलब ECU इसका कट कर रहा है 8000 RPM पे, और काफी लाइट वेट मोटरसाइकिल है। बढ़िया भाग रही है भाई, तगड़ा भाग रही है। अच्छा मैं इसके पावर फिगर्स की बात करूं तो ये अराउंड कितना, लगभग मुझे आइडिया तो नहीं है बट 13-14 GHP कर देता हूँ, इतना तो करता होगा ना, 125 का इंजन है। तो बाकी मैं डिस्प्ले पर डाल दूंगा इसका पावर फिगर जो भी है, एग्जैक्ट मुझे नहीं पता ठीक है। और सस्पेंशन प्रॉपर साइड से तो सीटी राइड काफ़ी कम्फर्टेबल है, ज़्यादा एग्रेसिव वाला नहीं है ना, तो थोड़ा ही अच्छा पोस्टर आपको मिलने वाला है देखने के लिए। एक क्वालिटी देखो तुम, डिस्प्ले की क्वालिटी देख लो, कुछ इसकी क्वालिटी देख लो, मतलब सेगमेंट में तो मतलब और भी अगर मन चाहिए टाइम में आती है होंडा की भी शायद पल्सर 125 आती है। सो आई थिंक पावर में तो ये पल्सर तो नहीं बीट कर पाएगी बट काफ़ी क्वालिटी वाइज ना टच एंड फील जो है मटेरियल का वो काफ़ी अच्छा है, तो वर्थ इट है, मतलब एक तरीके से आप कह सकते हैं। तो क्योंकि यार अराउंड
5000 के रेंज में भाई आ जाता है। ये ड्रम वाला वेरियंट है तो शायद डिस्क वाले से तो बेशक सस्ता ही होगा ही, उसमें देखा है तो ये नहीं पता उसमें सिंगल चैनल आता ही नहीं आता है, तो सिंगल चैनल तो आई थिंक मस्त से दिया होगा उन लोगों ने। बट ये रियर ब्रेक इससे ड्रम है, फ्रंट जो है ब्रेक नहीं मिलता है, वो भी ब्रेक लाइक अगर मैं ये अप्लाई कर रहा हूँ तो मेरे दोनों ब्रेक अप्लाई हो रहे हैं, तो इससे मुझे क्या है ना कि थोड़ा सा कॉन्फिडेंस मिल गया ताकि गाड़ी की ब्रेकिंग अच्छी हो रही है। और दूसरी चीज़ ये कि गाड़ी अगले ब्रेक पे मतलब इतना फुल फोकस अगले ब्रेक पे नहीं जा रहा है, पिछले पे भी जा रहा है साथ में, तो जो स्पीड का चांस है ना वो थोड़ा कम हो जाएगा। हाँ बेशक ABS तो ABS है, ABS को रिप्लेस नहीं कर सकता कॉम्बी ब्रेक, बट ठीक है गाड़ी आपका थोड़ा जल्दी रुक जाएगी, मतलब हेल्प हो जाएगी आपका, ओवरऑल कहने का ये मतलब है। पावर डिलीवरी एडिक्वेट है, बहुत ज़्यादा हाइपर नहीं है और हाइपर होगी भी नहीं, मतलब 13-14 दिन की क्या हाइपर होगी। डिस्प्ले आई थिंक आपको आराम से दिखता होगा, विजिबिलिटी बहुत अच्छी है, मुझे तो बहुत क्लियर अपडेट हो रहा है आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और नोटी है गाड़ी तो ब्रेकिंग वगैरह अच्छी है, क्लच इज ऑन द लाइटर साइड, इंडिकेटर वगैरह मतलब अच्छा बाइक है यार, मतलब मैंने सोचा नहीं था कि इतना अच्छा होगा। 9000 में तो स्प्लेंडर आती है यार, 97 अराउंड लगभग, स्प्लेंडर से कम्पीट कर सकते हैं अगर पावर वाइज करें तो, शायद उससे बेहतर पावर डिलीवरी देगी आपको। बार 0-100 टेस्ट करते हैं इसका, और फिलहाल मेरे पीछे एक पिलियन है बट फिर भी थोड़ा 1-2 सेकेंड इधर उधर कर लेंगे। तो मैंने आपको एक करके दिखा दिया, बाकी ऐसा खास कुछ है नहीं और बताने का, बट अच्छा बाइक है। ऑल LED सेटअप आपको मिल जाता है, स्टेप इंडिकेटर भी आपको LED मिल जाएगी, कलरफुल वाली वो भी भाई 90,000 रुपये में, और जो इसका बड़ा वेरिएंट है ना एक जिसमें डुअल डिस्क है उसमें आपको मिलता है एक्स कनेक्ट फीचर, तो आप इसमें अपना मैप वगैरह का नेविगेशन वगैरह कर सकते हो, और कॉल वगैरह जो आती है वो आपके डिस्प्ले में शो हो जाती है, तो ठीक ठाक फीचर है, हेल्पफुल है काफ़ी। राइट को खासकर कनेक्ट कर लो अपने, कॉल आ रही ना किसी जैसे हम राइट करते हैं तो हमें पता नहीं चलता बाई चांस आवाज़ बिल बिलास हुआ आवाज़ नहीं आती है, वाइब्रेट को होता है तो हमें पता नहीं लगता था, तो हम उसको देख सकते हैं कि अच्छा है कॉल आ रही है, कर सकते हैं अपने कॉल को। और भाई TVS के इंजन ना काफ़ी रिफाइंड है अगर मैं बात करूँ, मतलब बजाज से तो काफ़ी रिफाइंड है नो डाउट, किसी भी बाइक का इंजन लेना है बहुत अच्छा है, परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छा देते हैं, जो उनकी कैपेसिटी है ना उस हिसाब से वो परफॉर्मेंस मतलब अपना देते ही देते हैं आपको 100%। अब वो इतना प्राइस भी तो चार्ज नहीं करते ना उस चीज़ का, तो बड़ा ही अच्छा बाइक है, अराउंड अभी 90,000 के आसपास आता है, तो वर्डिक्ट तो बस यही रहेगा कि देख लें एक बार टेस्ट ड्राइव लेके, बाकी अच्छी बाइक है अगर लेना हम ले सकते हैं आप, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ब्रेकिंग वगैरह बहुत अच्छी, पिछली ब्रेकिंग बहुत अच्छी है, तो डिस्क वाली में तो और ज़्यादा बेटर होगी, और अगर उसमें ABS होगा तो और ज़्यादा फायदा है आपको, हेल्प हो जाएगी। तो आई होप ये एक छोटा सा वीडियो था, जब TVS राइडर मैंने चला के देखी थी मैंने सोचा आप लोगों को थोड़ा बहुत बता दूँ TVS के राइडर के बारे में, तो बस यही था इस वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो बॉयज़ तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, कमेंट करके ज़रूर बताना कि प्राइस रही है, और अगर किसी बाइक से हम कम्पीट कर सकते हैं तो एक बार कमेंट करना, मैं ट्राई करूँगा कि किसका ग्रेग रेस वगैरह या किस कम्पिटिशन वगैरह हम लेके आए, तो करते हैं जो कोई भी है नेक्स्ट वाइफ से। चलो।